हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे बोर्ड चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत किया जाता है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा बोर्ड की 12th क्लास की डेट शीट जारी कर दी गई है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट की इकट्ठी थी, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे 12th क्लास जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या डेट शीट रहेगी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पेपर कब कब होगा, क्योंकि ये तीन मेजर सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। साथ में बाकी एग्जाम्स की भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। और एक बात और आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इन सभी की फ्री क्लासेस चल रही है, बोर्ड ओरिएंटेड, आपकी बोर्ड से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट जारी करवाई जा रही है इस चैनल पे। तो इस चैनल को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई 12th। सबसे पहले मैं बता दूं ये सिर्फ नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। 12th क्लास में जो बच्चे हैं और जो नॉन मेडिकल के हैं यानी कि पीसीएम के जो बच्चे हैं, तो देखिए भाई पीसीएम वालों का सबसे पहला पेपर या बाकी सबका भी सबसे पहला पेपर होगा 30 तारीख को, 30 मार्च को, और ये होने जा रहा है आपका हिंदी का। 30 मार्च को हिंदी का होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेजर आपका पेपर है जो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए मेन टास्क रहता है, दैट इज फिजिक्स। तो भाई आपको देखिए बिल्कुल काफी कम टाइम मिलेगा, सिर्फ एक दिन का टाइम मिलेगा, तो हिंदी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है, तो फिजिक्स के ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला जो पेपर है फिजिक्स का होगा 1 अप्रैल को, और काफी कम टाइम मिल रहा है हिंदी और फिजिक्स के बीच में। उसके बाद देखिए आपको तीन दिन का टाइम मिल जाएगा, लगभग 2, 3 और 4 का 3 दिन की छुट्टियां हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच में। तो यहाँ पे भाई जब भी मैथमेटिक्स का पेपर होगा तो मैथमेटिक्स की ही मैराथन हम चलाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल को फिजिक्स का होगा, उसके बाद 5 अप्रैल को आपका मैथमेटिक्स का, 7 अप्रैल को होगा आपका फिजिकल एजुकेशन का, अगर किसी के पास फिजिकल है तो। उसके बाद देखिए ये कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद 9 अप्रैल को है आपका इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का 9 अप्रैल को है। अब देखिए मेन बात की जाए फिजिक्स के बाद सीधा कितने को है भाई आपका 13 तारीख को। अगर वैसे इंग्लिश को भी आप सीरियसली लेंगे तो 10 11 12 3 दिन आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे, तो काफी बढ़िया रहेगा। तो ये आपके जो है ना लगभग मान के चलिए कि केमिस्ट्री का जो लास्ट पेपर है वो आपका 13 अप्रैल को होगा, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो। जो मेन पेपर होते हैं नॉन मेडिकल के फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो आपका इस डेट शीट के अंदर रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश भी मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल देखिए इंग्लिश में भी आपको काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है, 6, 7, 8 3 दिन वहां पे भी मिल रहे हैं। तो लगभग एग्जाम्स में आपको जो मेन एग्जाम्स है 3-3 दिन की छुट्टियां मिल रही है, और काफी होता है 3 दिन आपको अच्छे से रिविजन करवाने के लिए। हम आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देंगे 3 दिन में मैराथन क्लास लगा लगा के, ठीक है। तो भाई नॉन मेडिकल वाले बच्चों की 12th क्लास की ऑफिशियल डेट शीट ये है, इसके अकॉर्डिंग ही अब आपको प्रिपरेशन करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है। तो भाई मेडिकल का अगर कोई बच्चा है या आर्ट्स कॉमर्स का कोई बच्चा है तो उनके लिए भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा कि उनके किस डेट को कौन से सब्जेक्ट के पेपर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।